श्री काली मंदिर की, जो छह शक्तिपीठों में से एक है। बांग्लादेश में कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें से छह बांग्लादेश में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोशोरेश्वरी काली मंदिर में माता काली के दर्शन के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं और इसके व्यापक विशेष इंतजाम किए गए हैं। हम आपसे थोड़ी देर में आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर ये सीधी तस्वीर है, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए 51 शक्तिपीठों में से एक यह शक्तिपीठ, और यहाँ पर परंपरागत तरीके से स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उलूक ध्वनि, शंखद ध्वनि और डाकत ध्वनि से अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा है, और यहाँ पर मंदिर रखरखाव समिति की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर उनकी आरती उतारी गई और श्रद्धावनत हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय तिलक किया जा रहा है। यह अद्भुत एवं विलक्षण क्षण समूचे इस सतखीरा एवं बांग्लादेश के सनातन धर्मावलंबियों और बांग्लादेश की संस्कृति और नागरिक सभी व्यक्तियों के लिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, कि जशोरेश्वरी शक्तिपीठ के आगमन पर इस समय मंदिर रखरखाव समिति के जो सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुखातिब हैं, और परंपरागत तरीके से ढाकत ध्वनि, शंखत ध्वनि और उलूक ध्वनि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। माताएं इस समय शंखत ध्वनि कर रही हैं, ढाकत ध्वनि कर रही हैं, उलूक ध्वनि कर रही हैं, और यह परंपरा है बंगाल की माँ शक्ति के, माँ भगवती के आह्वान की। माँ भगवती का आह्वान जब किया जाता है तो यह उलूक ध्वनि, शंखत ध्वनि और ढाकत ध्वनि होती है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर प्रांगण में धीरे धीरे मंदिर के द्वार की तरफ अग्रसर हैं, और ढाकेश्वरी यह जशोरेश्वरी मंदिर यह 51 शक्तिपीठों में से है बांग्लादेश के। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के दक्षिणी द्वार से मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर वो विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ भगवती की अनन्य उपासना और पूजा की परंपरा समूचे राष्ट्र के शक्तिबोध में और अभिवृद्धि करती है। भारत की वैष्णव परंपरा, शैव परंपरा और शाक्त परंपरा में शक्ति की उपासना की परंपरा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय श्रद्धावनत हैं और गुड़हल के फूल जो कि माता भगवती का, माता काली के लिए सर्वप्रिय है, मुकुट से माँ का श्रृंगार कर रहे हैं, और साथ ही साथ माता का मुकुट उनके सिर पर धारण करके इस समय माता का की पूजा अर्चना की शुरुआत कर रहे हैं। और भारत में शक्ति की परंपरा, माँ भगवती के शक्ति की परंपरा का बेहद प्राचीन इतिहास रहा है, और इस समय विधि विधान से माँ भगवती की पूजा आराधना करने पहुँचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्तिपीठ जशोरेश्वरी देवी में। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणै त्रयंबिके देवी नारायणी नमोस्तुते। नारी का नारायणी स्वरूप माँ भगवती के विभिन्न रूपों में शाक्त परंपरा में शक्ति की उपासना की परंपरा भारत की प्राचीन परंपरा का अंग है, जहाँ पर शिव एवं शक्ति दोनों की पूजा की जाती है। जशोरेश्वरी के इस मंदिर में माँ भगवती के जशोरेश्वरी स्वरूप और साथ ही साथ यहाँ पर चंड के रूप में, शिव के रूप में चंड भैरव की पूजा की जाती है।
राज्य समाधवम ओम नमः पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतो अभिवम जादशरित पुंडरीनात्मक सभाज्य अभ्यंतरों सुति ओ गणमया पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतो अभिवादर्शत पुंडरीनात्मक सभाज्य अभ्यंतर सुति माधव माधव वाचि माधव माधव निधि शरंति साधव सर्वे सर्व कार्येषु माधवम ओम माधवम ओम माधवम ओम माधवम शिव कमदत्री शाश्वत नमोस्तुते
দক্ষ যজ্ঞ বিনাশিন মহাপ্রবৈ যোগিনী কোটি কোটি বৃতা ওই ভদ্রকন্যৈ ওম গ্রীম যশোরেশ্বরী কালিকা ওই নমো নমঃ কালিকা ওই বিদ্মহে ভগবতী দি ওই তন্ন দেহি কুসদয়া কালিকা ওই জগৎ মাত কালিকে সর্বক্ষিণে গিরান বন্দন দেবী নমস্তে শঙ্কর করি এতা নিগন্ধ পুষ্প ধূপ দীপদানম ওম গ্রীম যশোরেশ্বরী কালিকা ওই নমো নমঃ। সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তি মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাব ভবেত ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি। प्रदक्षिणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां भगवती की सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राही नो देवी देवी दुर्गे नमोस्तुते। माँ दुर्गा की आराधना के माँ दुर्गा के अनन्य भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वही हमारी माँ भगवती की आराधना की शाक्त परंपरा जिसमें हम शिव और शक्ति दोनों की पूजा करते हैं और शाक्त परंपरा में जाकर शिव की परंपरा भी कहीं ना कहीं समाहित हो जाती है और भगवान का स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप हो जाता है। शाक्त परंपरा ये मानती है कि शक्ति नहीं तो सिद्धि नहीं, बुद्धि और समृद्धि का कोई अर्थ नहीं, यानी कि सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान जो परंपरा शक्ति की है, शक्ति संचय करने की जो परंपरा है, वो ये मानती है शाक्त धर्म में है कि शक्ति नहीं है तो सिद्धि नहीं है, बुद्धि और समृद्धि का कोई अर्थ नहीं है और राष्ट्र के शक्तिबोध को नए सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का भी कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने द्वारा किया है। और अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से भारत की सामासिक संस्कृति, भारत का सनातन संस्कृति और भारत की अनेक धर्म और सनातन धर्म के भी अनेक मत किस तरीके से आपस में समरसता से रहते हुए समूचे विश्व को
समरसता का और विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। माँ देवी की आराधना में या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता कहा जाता है, कांति रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, भक्ति रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, यानी कि माँ देवी में उस रूप की आराधना की जाती है जो व्यक्ति में कांति, दया, विद्या, श्रद्धा, भक्ति, लक्ष्मी और शांति और शांति की आराधना की जाती है और उस स्वरूप को जागृत करने की आराधना की जाती है कि व्यक्तियों में उस स्वरूप की आराधना हो। और यही हमारी परंपरा रही है, भारतीयता की परंपरा, जो कि कहती है कि हम साथ साथ चलें, साथ साथ तप करें। संगक्षध्वम संवद्वध्वम संवो मनस जानताम, यह अथर्ववेद में कहा गया है और साथ ही साथ कठोपनिषद में कहा गया है कि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, साथ साथ हम विश्व कल्याण के लिए तप करें। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद माताओं बहनों के साथ चित्र, यादगार चित्र खिंचवाते हुए, जो कि एक यादगार लम्हा है यहाँ के माताओं बहनों के लिए और साथ ही साथ समूचे नागरिकों के लिए। अभिवादन करते हुए, समूचे भारत भारतीयता का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भारत भारतीयता को किस तरीके से संरक्षित रखा है हमारी माताओं बहनों ने बांग्लादेश में, उसका रूप भी आप देख रहे हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के इस जशोश्वरी शक्तिपीठ में पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे हैं। अगर देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हमारे शक्तिपीठ भारत के आदि गुरु स्वरूप को स्थापित करते हैं। ये 51 शक्तिपीठ अगर तिब्बत में मानस शक्तिपीठ में दाक्षायणी शक्तिपीठ के रूप में है, तो वहीं श्रीलंका में इंद्राक्षी शक्तिपीठ के रूप में है, पाकिस्तान में हिंगलाज शक्ति रूप के पीठ में है, तो बांग्लादेश में ये जशोश्वरी शक्तिपीठ और साथ ही साथ सिलहेट में, बांग्लादेश में ही 5 अन्य शक्तिपीठ, सिलहेट में महालक्ष्मी शक्तिपीठ, जयंती शक्तिपीठ, बागुरा में करतोया शक्तिपीठ, सुगंधा शक्तिपीठ जो कि खुलना में है, और चटगांव में चट्टल भवानी शक्तिपीठ। ये बताते हैं कि किस तरीके से सनातन संस्कृति के शक्ति बिंदु जो हैं वो समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं, जो कि सनातन संस्कृति के मूल आधार बिंदु हैं, श्रद्धा के केंद्र हैं। और यहाँ पर पहुँचने पर वो भावना और बलवती होती है, जो कि जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल विखरे हैं बन निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। और इसी भावना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानवता के विजय के लिए भारत भारतीयता को विश्व के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने के लिए बांग्लादेश के इस जशोश्वरी शक्तिपीठ में पहुँचे हैं और यहाँ पर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की है। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोशेश्वरी शक्तिपीठ पहुंचे हैं, काली मंदिर पहुंचे हैं, उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की है राष्ट्र के लिए।